सामूहिक विवाह के नाम पर एक बड़ा खेल चल रहा है। किस तरह सूची प्राप्त कर संवाददाता द्वारा 29 में करीब 22 लाभार्थियों के घर और गांव में जाकर पड़ताल पूछताछ का स्टिंग किया गया। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। भारत एट नाइन में आज हम यूपी के ऐसे जिले की बात करने जा रहे हैं जहां पर सामूहिक विवाह के नाम पर एक बड़ा खेल चल रहा है। वो कैसे, पूरा ये एपिसोड देखिएगा, इसके बाद आपको कहानी क्या है वो पता चलेगी, आप भी अचंभित रह जाएंगे। तो आगे पूरी कहानी सुनते रहिए। यूपी का भदोही, योगी सरकार की जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के क्रियान्वयन में घोर अनियमितता बरती जा रही है। अधिकारियों की कमजोर मॉनिटरिंग और जिम्मेदारों के घर बैठे सत्यापन के चलते सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और गरीब कल्याण योजना में पलीता लगता दिख रहा है। रिपोर्टर की जमीनी पड़ताल में इस योजना के संचालन में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। दलाल और बिचौलिए ब्लॉक से लेकर जिले तक सक्रिय नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों अधिकारियों में सेटिंग गेटिंग कर 2-4 साल पहले शादीशुदा जोड़े तक का दोबारा सामूहिक विवाह कराकर धन की उगाही बंदरबांट का खेल किया जा रहा है। लाभार्थियों के डोर टू डोर स्टिंग ऑपरेशन में जो बातें रिकॉर्ड हुई हैं वो पूरी तरह हावी करप्शन की पोल खोल रही है। एक नहीं बल्कि 1.5 दर्जन के करीब लाभार्थियों, उनके परिजनों का स्टिंग वीडियो बताकर बयान खुद योजना में गड़बड़ झाले और धांधली की गवाही दे रहे हैं। अभी इस मामले में अधिकारी कोई बयान देने से बचते नजर आ रहे हैं। वहीं एक व्यक्ति ने योजना में धांधली की शिकायत मंडलायुक्त से की है और सीडीओ ने मामले की जांच के लिए कमेटी भी गठित कर दी है। क्या है सरकार की योजना और क्या है पूरा मामला? दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अक्टूबर 2017 में समाज में सर्वधर्म संभाव और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह और विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह में सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत हर लाभार्थी युगल के विवाह पर सरकार 51,000 रुपए खर्च करती है। इस धनराशि में से 35,000 रुपए कन्या के खाते में, 10,000 रुपए वैवाहिक सामग्री खरीदने के लिए और 6,000 रुपए आयोजन के लिए दिए जाते हैं। पहले कन्या पक्ष द्वारा सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, जिसे समाज कल्याण विभाग द्वारा ब्लॉकों को अग्रसारित कर दिया जाता है। उसके बाद बकायदा ब्लॉक स्तर से आवेदकों की पात्रता का भौतिक सत्यापन भी किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री की संसदीय सीट से सटा कालीन मेकिंग और एक्सपोर्ट के लिए दुनिया भर में मशहूर जनपद भदोही में भ्रष्ट कर्मचारियों, असक्रिय अधिकारियों के चलते सरकार की महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर गाइडलाइंस के अनुरूप हूबहू नहीं उतर पा रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भदोही जिले के विकास खंड डीक अंतर्गत आने वाले गांव के 29 कन्याओं की शादी बीते 12 जुलाई को ब्लॉक प्रांगण में एक साथ कराई गई थी। धांधली की बू आने पर किस तरह सूची प्राप्त कर संवाददाता द्वारा 29 में करीब 22 लाभार्थियों के घर और गांव में जाकर पड़ताल पूछताछ का स्टिंग किया गया तो 29 युगलों में आधे में फर्जीवाड़ा सामने आया है। लाभार्थी, उनके परिजन खुद बताने लगे कि कैसे 2 से 4 माह में कुछ साल पहले उनके घर बारात आई थी, फिर उन्होंने 12 जुलाई 2024 को भी ब्लॉक पर विवाह किया। ज्यादातर जोड़ों ने बिचौलिए द्वारा ऑनलाइन कराए जाने, उनके द्वारा धन लिए जाने की बात भी सामने आई है। हम आगे आपको 15 से ज्यादा लाभार्थी और उनके परिजनों के बातचीत कास्टिंग वीडियो और बयान का वीडियो भी सुनाने और दिखाने जा रहे हैं। भले ही भ्रष्टाचार न होने का दावा करती हो, फिर भी सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार आज भी व्याप्त है। जो असली पात्र हैं उन्हें इस योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और जो लाभ नहीं मिल पा रहा है, चाहे थाना हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे तहसील हो, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। असली पात्रों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मीडिया कर्मियों की पड़ताल से यह मालूम पड़ा है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बहुत बड़ी धांधली हुई है, पर इसकी जांच होनी चाहिए, पर भाजपा के सरकार में यह जांच होना संभव नहीं दिखता। धांधली की एक व्यक्ति ने की कमिश्नर से शिकायत, बीडीओ ने दी थाने में तहरीर, मुकदमे की और फिर ये मुकदमा उठाया है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भदोई के ढी ब्लॉक में भ्रष्टाचार को लेकर शिव शंकर मौर्य नामक व्यक्ति ने 12 जुलाई को सामूहिक विवाह के लिए 2-4 जोड़े के फर्जीवाड़े को लेकर बीडीओ से शिकायत की। शिकायत पर संज्ञान लेने के बजाय उन्हें वहां से हटा दिया गया। जनपद के अधिकारियों द्वारा मामले को गंभीरता से ना लेने के बाद शिवशंकर ने व्याप्त भ्रष्टाचार की कमिश्नर मिर्जापुर के यहां शिकायत की, जिस पर समाज कल्याण अधिकारी को जांच सौंप दी गई। समाज कल्याण अधिकारी मीना श्रीवास्तव ने बीडीओ को इस बात का स्पष्टीकरण भी देने के लिए एक पत्र जारी किया। उन्होंने बताया कि जवाब आने के बाद वो जांच की कड़ी आगे बढ़ाएंगी। वहीं आरोप है कि शिकायत से बिचौलिए ब्लॉक डीह के खंड विकास अधिकारी दिलीप कुमार ने शिकायतकर्ता के खिलाफ परेशान करने की नियत, शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाने के लिए 12 जुलाई को ब्लॉक पर किए गए फर्जीवाड़े की शिकायत को विवाद बताकर जाति सूचक शब्द बोलने के आरोप में एक हफ्ते पूर्व थाने में तहरीर दे दी थी। शिकायतकर्ता शिवशंकर का कहना है कि उनके घर 1-2 बार पुलिस भी गई, बाद में वो थाने पहुंचकर पूरा मामला बताते हुए नजर आए। तब तक पता नहीं किस दबाव और समझदारी में बीडीओ ने तहरीर वापस ले ली। इस प्रकरण में जब पत्रकार ने बीडीओ से फोन पर बात की तो उन्होंने गलती स्वीकार करते हुए कहा कि वो ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी शिकायत कर परेशान किया जा रहा था, इसलिए दबाव बनाने के लिए उन्होंने SC ST के तहत तहरीर दे दी थी। कहा कि उन्होंने तहरीर वापस ले ली है। अपने हमने गए थे ब्लॉक पे, तो वहाँ पे जो है हमने बच्चे को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जन्म का, तो उन्होंने देखा तो बीडीओ साथ करा रहे थे विवाह, तो हमने वहाँ पे जा करके हमने बोले श्रीमान जी अरे शादी में तो ये फर्जी जोड़ा लग रहा है, ये क्या है कि देख रहे हैं हम तो इनको पहचान रहे हैं। कहा कि तुम क्या CID हो DGI हो, आप क्या हो, आप कि आप पहचान रहे हो आप, चलो ऐसा नहीं होने देंगे। तो उन्होंने क्या कि हमको तो हमारे साथ में दुर्व्यवहार करा करके बाहर निकाल दिए उन्होंने। तो इसकी शिकायत और आपने कहीं की थी? तो इसकी शिकायत हमने क्या सीधा गया ज्ञानपुर CDO साहब से, हमने कहा हमका श्रीमान जी फर्जियाँ जोड़ो जो शादी हो रही है, एक दूसरे से शादी नहीं हो रही है, और ऑनलाइन दूसरा कोई कर रहा है बैठ रहा है दूसरा कोई, ये सब गलत बात है, ये गरीब लोग की शादी है, ये अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या कि तुम क्या CDO हो DGI हो या क्या वो CID हो, आप क्यों ऐसा काम कर रहे हो, क्यों ऐसा बात कर रहे हो, ठीक है हम तुम्हारे ऊपर FIR करेंगे, हम तुम्हारे पर स्वीकार करेंगे, आप एक हलमनामा बना के दे दो, और नहीं होगा गलत तो शादी नहीं निकलेगी, तुम्हारे ऊपर FIR करेंगे, स्टेट की कम खुद मान लगा देंगे। रही बात ये 12 जुलाई वाली घटना जी, है जी, 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 अब बताइए शादी होती है तो ऑनलाइन फॉर्म होता है, ऑनलाइन फॉर्म होता है, जो फॉर्म समाज कल्याण से हमको मिलता है तो सचिव उसका जांच करते हैं, सचिव जांच करने के बाद उसके बाद ADO वेरीफाई करता है। 3 दिन के लिए हमारे यहाँ तो कोई ADO भी नहीं है, 3 दिन के लिए ADO कोऑपरेटिव थे तो उनके माध्यम से वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई होने के बाद फिर शादी की डेट लगातार फार्म में मतलब उस दिन तक आती ही रहती है। तो ये होता है कि जितना हो सके भाई गरीब लोग हैं उनको लाभ दे दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद समाज कल्याण के 2 कर्मचारी भी आते हैं, आने के बाद वो भी अपना जब बैठते हैं तो सबका मिलान करते हैं जी, मिलान जी। करने के बाद जितना जोड़ा बैठा देते हैं, मेरा काम यही है कि शांति व्यवस्था खाना पीना टेंट किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, जी 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 यही मेरा काम है जी। काम जी, करने जी। के बाद उस दिन की बात है जी। भाई अब शिवशंकर के जब कोई मतलब वो नहीं है, देखिए जैसे शादी विवाह पड़ता है, चाहे आपके घर पड़े चाहे हमारा घर पड़े है, लेकिन मुखिया जो जी, होता जी, है जी। वो कहता है कि यार 4 लोग फैले रहो, किसी को कहीं कोई बात ना कोई बाहरी व्यक्ति कहीं मतलब कोई हस्तक्षेप ना कर पाए, ताकि कोई मतलब चीजें उत्पन्न हो जाए जी, जी, तो जो कर्मचारी है आप भी सबको जानते हैं जी 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 हाँ? बिल्कुल, बिल्कुल कोई आपसे मतलब जानकारी में नहीं है ना, इतना आप विशेष बहुत दूर पे ही है, भले आपसे हमसे मुलाकात नहीं हो लेकिन आज वार्ता से मतलब आप समझ जाइए। नहीं एक बार आपसे मुलाकात हुई, मैं जब सबको जानता हूँ सर, सब हमें जानते हैं लगभग। तो सुनिए तो उतना के बाद वो उन लोगों से बहस कर वो मतलब औरतों के बीच जाने लगा। तो वो लोग कहे कि भैया जब तुम्हारा कोई कैंडिडेट नहीं है, कोई ना रिश्तेदार है, तुम उनके लोग के औरतों के बीच क्यों जा रहे, तुम एक जगह शांति में बैठ जाओ। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपने आप को नेतागिरी समझ के भाई की भाजपा के मैं ये हूँ वो हूँ, अब उनसे बहसबाजी शुरू कर दिया जी, अब वो बहसबाजी धीरे धीरे भाई मुखिया के पास आ गया। मुखिया के काम है कि समझा बुझा के भाई दूर करना हटा देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने तुमको समझा बुझा के उनको बाहर कर दिया, इसमें कौन से उनके साथ में अभद्रता कर दिया? नहीं नहीं, उसमें अभद्रता नहीं, उनका ये कहना था कि
बीडीओ साहब से हमने उस पे गलत जो शादियां हो रही थी उसको उसको लेकर के संज्ञान में लाया, तो बीडीओ साहब हमको जो है एक लोगों के माध्यम से रात के बाहर निकलो, हम कहे ठीक है भाई बता दिए तो शादी हो रही थी उनका समारोह चल रहा था उस टाइम शिकायत क्या बाद में कर देते हैं। पांडे जी जी एक नहीं जब से आया मैं यहाँ हूँ पांच पांच शादियां कराया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ पांच पांच शादियां कराया हूँ और इस तरह की भाषा लोग बोलते नहीं है। जी, 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 और आके उस समय आप भी कभी आके देख लीजिए प्रमुख वगैरह सब बैठे रहते हैं, समाज कल्याण की अधिकारी भी मौके पर बैठी हुई थी। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर किसे बचाने के लिए बीडीओ साहब ने शिकायतकर्ता के खिलाफ तहरीर दे दी। एक महीना पुरानी घटना का हवाला दिया, जबकि जानकारी के मुताबिक हर बार सामूहिक विवाह के दौरान मौके पर पुलिस की मौजूदगी भी होती है, ब्लॉक से चंद कदम की दूरी पर पुलिस चौकी भी है, वहीं शिकायत क्यों नहीं की गई? बीडीओ छुट्टी पर भी नहीं गए थे तो तहरीर देने में महीनों से ज्यादा समय क्यों लगा? ब्लॉक डी थाना कोइरोना अंतर्गत आता है, जबकि बीडीओ ने थाना उंज में तहरीर दी, बाद में तहरीर वापस भी ले ली और कई लोगों ने उसे गलती से दिया जाना बताया है। सबसे पहले केस वन की बात करेंगे। स्टिंग ऑपरेशन से पर्दाफाश में सबसे पहला नाम विकासखंड ढी के परशुरामपुर गांव के आराधना पुत्री भुआल का है, जिनकी शादी सामूहिक विवाह योजना में 12 जुलाई को हुई थी। घर पहुंचने पर आराधना की छोटी बहन उसके घर में रह रही दो चचेरी भाभियों से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि आराधना की शादी करीब एक साल पहले हुई थी, घर पर बारात भी आई थी। कहा कि सामूहिक विवाह योजना का पैसा आ गया है। भाभियों आराधना की बहन ने बताया कि आराधना के पिता फॉर्म नहीं भर रहे थे, गांव की एक महिला ने लाभ मिलेगा बोलकर जबरदस्ती ऑनलाइन करवा दिया। वो पैसे की डिमांड करती है, 5,000 उसने ले लिए। सुनिए पूरा स्ट्रिंग। बेटा भुआल का घर यही है? कहाँ है आपके घर पे कोई है? पापा नहीं है? भुआल आप हैं? कौन है घर से? कोई तो है ना, आप लोग हैं ना? अच्छा आराधना आपके घर की लड़की है? ये आराधना है? नहीं हम बहन। तब कैसे करेंगे ये है? अच्छा हो गया हो गया। चलिए क्या कहाँ आराधना कहाँ शादी हुई है? देखिए जरा सा। लड़कों क्या नाम है? कुमार सतीश कुमार। अच्छा उसके पिताजी का नाम है बलराम ना? आसेपुर हुआ है ना बिजवनिया ना? कितना समय हो गया शादी हुए? कई साल हुआ होगा? एक साल हो गया। अच्छा तो अभी इस बार जो है वो फॉर्म भरे थे आप लोग क्या शादी वाला? शादी कितने साल पहले शादी हुई थी? एक साल पहले। और ब्लॉक में कब शादी हुई है? जून में इस साल हुई है ना? जुलाई में कि जून में? जुलाई में। पैसा आया है खाते में? अच्छा ठीक है, जैसे कि बता रही है इनकी बहन पैसा आया है, बर्तन वगैरह सब कुछ मिला था। तो यहाँ दोनों पक्ष से गए थे, लड़की पक्ष और लड़का पक्ष दोनों लोग गए थे ना ब्लॉक पे? जब यहाँ पे घर पे शादी हुई थी एक साल पहले जब, तो बारात वगैरह आए थी? अच्छा शादी अच्छे से घर पे हो गई थी। उसके एक साल बाद फिर जुलाई में जो है उसको ब्लॉक पे शादी कर लिया आप लोग ना? ये तो पैसे के लिए किया होगा, कोई भरवाया था फार्म की कैसे? कौन भरवाया था फार्म? अच्छा महिला है? समूह सखी वाली है क्या? अब केस दो की बात कर लेते हैं। डिग ब्लॉक के बेरवा पहाड़पुर गांव निवासी पन्नालाल उर्फ चौकीदार की बेटी खुशबू ने भी ब्लॉक पर बीते जुलाई माह में आयोजित सामूहिक विवाह में शादी रचाई थी। घर पहुंचने पर खुशबू और उसके भाई मिले, बातचीत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। उन्होंने बताया कि बीते 25 मई को घर खुशबू की बारात आई। खुशबू के भाई ने विवाह के समय का आमंत्रण पत्र भी उपलब्ध कराया। देखिए पूरी की पूरी तस्वीरें। पन्नालाल आपके घर के हैं? पापा हैं। अच्छा आपके पापा हैं। अच्छा शादी हुई है क्या कोई? क्या नाम है? खुशबू। कब हुई थी, कितना समय हुआ? अरे शादी का मई में। मई में हुआ था? कहाँ की है? छतमी हुआ। छतमी देखिए।
सप्तमी सही है, राधा स्वामी धाम। हाँ हाँ वही है, नाम क्या है बता दीजिए, लड़की का नाम क्या है? सत्यम। ठीक, पिता का नाम उनके ओम प्रकाश है। कब हुई शादी? बारात आई थी घर पे, आई थी, आई थी। इसके बाद फिर आप भरे मई में हुए थे? हाँ, कल तारीख था मई में। 25-26 का था। कोई कार्ड है क्या आपके पास, शादी वाला कार्ड है? कार्ड है लेकिन उसमें नाम नहीं। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये कार्ड। पता देख लीजिए। इसी तरह और भी बहुत सारे केसेस हैं। डी ब्लॉक के रजमला गांव निवासी मनीष पुत्री धर्मराज प्रजापति की भी शादी 12 जुलाई को सामूहिक विवाह में हुई थी। पड़ताल के दौरान घर पर मनीषा के भाई सुजीत मौजूद थे। सुजीत ने बताया कि मनीषा की बारात बीते अप्रैल माह में आई थी, फिर ब्लॉक पर शादी जुलाई में हुई थी। इसमें भी बिचौलिए का ही हाथ था। यही नहीं, सूत्र बताते हैं कि मामला पकड़ में ना आए इसलिए बिचौलियों ने योजनाबद्ध तरीके से फार्म तो मनीषा का भरवाया लेकिन ब्लॉक पर उसकी बड़ी बहन और जीजा के फेरे लगवा दिए। खबर है कि वास्तविक मनीषा ही अभी शादी तय नहीं हुई है। इस हेरफेर के खेल में ऑनलाइन तो मनीषा के नाम से हुआ लेकिन उसकी बड़ी बहन ने अपने पति के संग फेरे ले लिए, मनीषा के नाम का प्रमाण पत्र ले लिया। फिलहाल ये कागजी जांच पड़ताल का विषय है लेकिन मनीषा के भाई के अनुसार अगर अप्रैल में शादी हो चुकी थी और रुपए ऐंठने के लिए ब्लॉक पर दोबारा शादी की गई तो भी मामला फर्जीवाड़े का है। सुनिए और इस पूरी बातचीत को देखिए। धनराज आप ही के घर हो? की हो धनराज? धर्मराज। धनराज, धनराज नहीं, धर्मराज नाम। चलो मनीषा क्यों बा आपके घर? मनीषा लेडीज है ना? लड़की। हाँ, लड़की लड़की गलत हुई है मेंशन में। अच्छा वो पिछले साल शादी भरा गा? हाँ यही अप्रैल में था। तो सामूहिक विवाह योजना में भरा गा ब्लॉक पे? ये हमके नहीं पता है। अरे यार तुहरे घरे तो आप बहन तो पता नहीं हुआ? ये हमें नहीं पता भाव हो लेकिन हम नहीं रहे ना, उनका लड़का है। हाँ तो उनका लड़का है तो आप बहन है ना? हाँ। मनीषा। हाँ। तो उनका शादी जब भरा, कहाँ भरा शादी? इलाहाबाद? हाँ दूल्हापुर। इलाहाबाद? दूल्हापुर इलाहाबाद। ब्यूर में पाक आई? ब्यूर में, ब्यूर इलाहाबाद हो? ये हरिया। हाँ हाँ हाँ। तो कब रहा शादी? ये अप्रैल में रहा, 12 अप्रैल। 12 अप्रैल के शादी रहा? बारात आई रही? हाँ बारात आई रही। ओकरे बाद उठा में सामूहिक विवाह योजना ब्लॉक पे भी शादी भरा गा? भर रहा ब्लॉक पे शादी। तो अप्रैल के बाद जुलाई उलाई में भरा गा ब्लॉक पे? अप्रैल में रहा करी शादी, बारात आई रही अप्रैल में। ब्लॉक वाली मतलब बाद में भरा ना? हाँ भरा रहा लेकिन बाद में आई रहा, कुछ चलत रहा बंद रहा। प्रजापति है? हाँ। अच्छा धर्मराज प्रजापति है नाम? उसमें मेंशन करने में गड़बड़ हो। किसने फार्म भरवाया था? ये गांव का आदमी है। कौन? का क्या नाम है उसका? नाम तो गांव में झोटी बुलाते हैं लेकिन उसका अपना नाम नहीं है। केशचार डी के महुआरी गांव निवासी कुमारी ममता गौतम पुत्री मूलचंद का मामला तो अजीबो गरीब है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। बुंदेलखंड की कहावत, कोई खावन को ना पावे कोई भर भर को खावे, इस मामले पर फिर बैठती है। दलालों की सेटिंग, विभाग के खेल से ममता को 2 बार सामूहिक विवाह योजना का लाभ दे दिया गया। हमारी पड़ताल में पता चला कि दलालों के परिश्रम के बूते पहले श्रम विभाग के जरिए गढ़वाली धाम रॉबर्ट्सगंज में 12 फरवरी 2023 को आयोजित सामूहिक मुख्यमंत्री विवाह योजना में 75,000 का लाभ लिया गया। श्रम विभाग के सामूहिक विवाह 2023 की सूची में 62वें नंबर पर ममता का नाम दर्ज है। वहीं ब्लॉक कर्मियों की लापरवाही और मिलीभगत की बदौलत बीते 12 जुलाई को विकासखंड ही में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी ममता द्वारा शादी रचाकर 51,000 रुपए की धांधली कर ली गई। तहकीकात में वास्तव में शादी कब हुई थी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ सका है। जरा सोचिए धांधली का स्तर क्या है, क्या दलालों से कर्मचारी अधिकारियों की मिलीभगत कहना कहीं भी अनुचित होगा। पड़ताल के दौरान ममता के घर उनकी बहनें मिली, वो झूठ बोले और बात को घुमाने पर आमदा रहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी के द्वारा समझा दिया गया हो। सवाल करने पर एक बहन ने दावा किया कि श्रम विभाग ने ममता नहीं बल्कि उसका विवाह हुआ था। बारात नोधन से आई थी? हाँ बारात नोधन से। कब आई थी बारात? अरे अगले महीने। फिर भी कुछ अनुमानन? महीना
कब आए रहा भैया? अरे 5-6 तारीख के शायद रहा, ध्यान ना आए हमरे। 5-6 जुलाई? हाँ, 5-6 जुलाई बारात आई थी घर पे। अच्छा, सुधारी नाम है क्या उनके पिता का, लड़के का पिता का नाम सुधारी, सुधारी लाल ना, और लड़की का ममता। ममता कहाँ है, कौन है ममता? यहाँ से हुई थी, कहाँ से हुई? ये यहाँ से हुई थी, मतलब विदाई, मतलब अभी बारात लेकर आएंगे तब विदाई घर से होगी, शादी हो गई। अच्छा, मतलब विदाई नहीं, मतलब शादी हो गई है यहाँ से, क्या नाम है, ब्लॉक से हो गई शादी, अब विदाई नहीं है, विदाई बारात लेकर आएंगे तब घर से होगी। अच्छा, पैसा आ गया वहाँ से जो? हाँ, पैसा। ओके, और ये यहाँ का एक श्रम विभाग से भी आपने शादी वाले में भरा था? नहीं, बस वही एक ही शादी। विभाग वाला भी भरे हैं क्या? नहीं, नहीं भरे होंगे तो कोई गलत नहीं है, बताइए उसको। नहीं, भरे नहीं, भराने नहीं, तो हम लोग नहीं, एक आपके पास विभाग से 75,000 रूपए आता है? नहीं, मेरा हुआ है। वही वो आपका है? नहीं नहीं, हमारे सिस्टर, मतलब उन्हीं का ना, ममता का ना? नहीं, ममता नहीं, तो इसका वहाँ से मार घर, और ये ममता का ब्लॉक बचे मार घर। पड़ताल की अगली कड़ी में नगर दह गांव की रीना वर्मा पुत्री दयाशंकर वर्मा के घर पहुंचने पर रीना और उसकी मां मौजूद थी। पूछने पर कहा कि उसकी शादी 6 जून को हुई थी, घर पर बारात आई थी, सब कुछ गुप्त कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। मां बेटी ने संयुक्त रूप से योजना में गड़बड़ी की विवाह की हकीकत बयां करते हुए कहा, शादी में बड़ी धांधली हो रही है, हम लोग गए थे तो देखा कि 2-3 बच्चों की मां की शादी हो रही थी, कुछ महिलाओं के तो गोदी में आकर बच्चे बैठ जा रहे थे, और हमसे फॉर्म भरवाने वालों ने कहा कि शादी छुपा कर कराया हूं, इसलिए पैसा देना पड़ेगा, और बार बार कहकर 10,000 रुपए वसूल लिए। इस लाभार्थी ने न सिर्फ असली खेल को समझा दिया बल्कि सामूहिक विवाह योजना में घोटाले की बतौर प्रत्यक्षदर्शी कहानी भी बयां कर दी। अरे बारात है, अब आई रही थोड़ा के जेठ में, जून में आई। कौन है रीना? आप रीना? शादी कब हुई थी आपसे? यही माने कि 6-7 माने जून के, जून ब्लॉक से भरा है, 12 जुलाई को हुआ था ना? हाँ सही। बताइए आप, जून में शादी हुई थी, घर पे बारात हुई थी, तारीख याद है आपको? कितना तारीख? 6-7 जून को, 6-7 जून को बारात आई थी। क्या नाम है? सुनिए, कौन से कास्ट के हैं वो? बब्बू का नाम बब्बू, बब्बू नंबर है? 10,000 ले लिए, निकाले रहे, निकाल के। जब आपकी शादी हो गई तो आप क्यों दिए पैसा? ए साहब, हमें कहाँ बता रहा है, हम कागज मार ही जू भी मारे हमारे द्वार। आप वहाँ गई थी ब्लॉक पे जब इनकी शादी थी, तो किस तरह की महिलाओं को आपने देखा वहाँ? अभी की उम्र ज्यादा, दूध चल चल लड़की लड़का का महतारी रहे, उनको भी शादी हो रही है, हम देखा कि गलत काम है। नहीं सब कह रहे था शादी हो गया, सार होता था छिपाई कर रहे, 10,000 ले तब हो नहीं तो नहीं, 10,000 ले तो चले। लड़के माई से नहीं, लड़का ये कोरम बैठ गया। शेरपुर पिंडरा शिवानाथ पट्टी गांव की रहने वाली मनीषा पुत्री मणकेश्वर के घर पहुंचने पर मनीषा के भाई रोहित से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि उनकी बहन की 12 जून को घर पर बारात आई थी, फिर 12 जुलाई को ब्लॉक पर शादी हुई। फॉर्म भरवाने वालों ने पहले 1,500 लिए, फिर खाते में रुपए आने के बाद ऊपर से दे देना पड़ा बोलकर 10,000 की मांग कर दी। रोहित ने बताया कि बिचौलियों ने 5,000 रुपए भी ले लिए। स्टिंग के जरिए समझिए योजना में धांधली का सच क्या है। तो आपके यहाँ चंद्रकेश्वर, आपका नाम है कि मणकेश्वर? चंद्रकेश्वर। मणकेश्वर किसका नाम है? आपके भाई ही है? अच्छा, दोनों लोगों की मई में ही बारात आई थी? एक जून में आई थी और एक मई में। आप अपना बताइए, आपका नाम चंद्रकिश्वर है? क्या नाम आपका? रोहित कुमार। आपके पिताजी का क्या नाम है? मनीषा। जिसकी शादी हुई है वो कौन लगती है? वो बहन लगती है। क्या नाम है उनका? मनीषा। अच्छा, कहाँ से शादी तय हुई थी? शादी हुई थी तय यहाँ से, वो नेवादा से। अच्छा, घर पे बारात आई थी? हाँ, घर पे। किस डेट को? मतलब वो 12 जून की आई थी। 12 जून 2024। इसके बाद फिर आप ब्लॉक पे भी फॉर्म भरे थे? हाँ, फॉर्म भरे। तो कब शादी हुई वहाँ? यहाँ ये जो बहुत तरीकिया के का नाम भैया, 12 जुलाई। हाँ, 12 जुलाई के। अच्छा, तो गांव के ही लोगों ने फॉर्म भरवाया था? हाँ, हाँ। कुछ पैसा वैसा भी लिया? पैसा वो बोले थे कागज पे लगेगा बस 1,200, और फिर इसके बाद जब पैसा आ गया तो वो बोला था हमको 10,000 रुपया से 1 रुपया कम नहीं जाएगा। कलापुर गाँव निवासी शर्मिला पुत्री छविनाथ के घर पर शर्मिला और उनके माता पिता मौजूद थे। संयुक्त रूप से बताते हुए कैमरे पर बयान देते हुए 11 जून को विवाह घर पर हुआ था जिसमें सैकड़ों लोग शरीक हुए। उसके बाद विवाह सामूहिक
तौर पर हुआ रीति रिवाज के साथ। इनका भी फॉर्म नगरदहा गांव के रीना का फॉर्म ऑनलाइन कराने वाले व्यक्ति ने कराया था। सुनिए खुद वाहिता के परिजनों का पूरा बयान। कलापुर है ना? नहीं नहीं, हाँ कलापुर। शबनाथ किधर है? देखिए जरा सर, इनका जो है नाम है शर्मिला, नाम है ना आपकी लड़की का? शर्मिला। कहाँ शादी किए हैं? शबनाथ। एक मिनट, हाँ नहीं, वहाँ जुलाई में किए थे ना? हाँ। और घर पे भी बारात आई थी? हाँ। कब, किस तारीख को? ये आई थी 11 जून का। ग्यारह बारह जून यही वाला? हाँ। 11 जून को बारात घर पे आई थी? हाँ। अच्छा, इसके बाद फिर दोबारा वहाँ जाके शादी? हाँ, बीच में था, हो गया था। तो वहाँ तो भरे होंगे, तो क्यों? हाँ, लाभ के लिए भरे, हाँ, भरे थे लाभ के लिए वहाँ तो। हाँ, ये बताइए कि शादी जैसे आपने यहाँ की, फिर इसके बाद दोबारा जाके वहाँ किया, कौन भरवाया था आपका? बब्बू। बब्बू, बब्बू ओझापुर। ओझापुर के क्या कुछ? अच्छा। लिए थे ना आपसे, बता दीजिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं लिए थे, लेने के लिए वादा, लेने के लिए थे, बोले थे कि मेरे को कुछ चाहिए। हमका चलो भाई का। ये बब्बू कौन है? बब्बू इनके ही कोई समाज से है। अच्छा रिश्तेदार। अच्छा ठीक है। ओझापुर दिए नहीं? दिए नहीं, दिए नहीं। पैसा वैसा मत दीजिए। पैसा, पैसा आ गया खाते में? खाते में कितना आया? 35,000 आया। तो 35,000 आया था, तो बोले थे फोन करते कि पैसा मेरे को चाहिए। हमका चलो भाई आ जाए। जब शादी हुई थी तो शादी हुई थी तो यहीं से हुई थी, घर से कि कहाँ से किए थे? 12 जून को पहले यहीं से हुआ था, फिर वहाँ से हुआ। योजना में धांधली कराने में सक्रिय दलालों की सेटिंग इतनी जबरदस्त है कि योजना को मूर्त रूप देने में जुटे कर्मचारी अधिकारी ने ना तो इनार गांव के मामले में हद पार कर दी। पड़ताल में पता चला कि कंचन पुत्री रामपति निवासी इनार गांव की शादी करीब 4 साल पहले हो चुकी है। महज चंद गांधी छाप कागजों के लिए बिचौलियों ने कर्मचारी अधिकारियों के सेटिंग के जरिए ब्लॉक में 12 जुलाई को विवाह कराकर धन का बंदर बांट कर लिया। कंचन पुत्री रामपति के घर पहुंचने पर कंचन के भाई और भाभी मौजूद थे। भाई आनाकानी करते हुए 12 जुलाई को शादी हुई थी के रट लगाए हुए थे। तब तक फॉर्म भरने वाली समूह सखी भी पहुंच गई और सफाई देने में जुट गई। अचानक से इसी बीच बगल के एक व्यक्ति ने सबके सामने ही झटके में बता दिया कि कंचन की शादी 3 साल पहले हुई थी। चंद कदम की दूरी पर एक अति वृद्ध महिला ने भी इस बात पर मुहर लगा दी। यही नहीं, इस बात की पड़ताल के लिए कंचन के ससुराल अबराना सूर्या पहुंचकर कंचन और उसके पति सुरेश घर पर मिले। उन्हें बिचौलिए द्वारा विधिवत समझा दिया गया था कि 12 जुलाई को शादी होने की रट लगाए हुए थे। संतुष्ट न होने पर बगल के घर पर जाने पर पता चला कि भगवा वस्त्र पहने पाल जी हैं। उन्होंने बताया कि शादी हुए 4 साल से ज्यादा का समय हो गया है। बगल पड़ताल करने पर कंचन के पति सुरेश ने नाराजगी व्यक्त की। हकीकत पता चल गया है, बताने पर वो चुप हो गए। थोड़ी दूर पर एक वृद्ध व्यक्ति मिले। उन्होंने बताया कि सुरेश के रिश्ते में सगे नाना है। सुरेश के पिता अपने ससुराल में काफी समय से स्थायी रूप से रहते हैं। नाना ने बताया कि 4 से 5 साल पहले सुरेश और कंचन की शादी हो चुकी है, वो भी बारात में गए थे। शादी में अगवा भी वही थे। 5 मिनट की स्टिंग में ये पूरा काला सच आप सुनिए। आपके घर जो है बारात कब आई थी? 12 तारीख। 12 कौन सा? ये 12 मैं तो था नहीं था, वो कहता हूँ मैं तो बाहर में था। वो मेरे मम्मी को मालूम होगा। फिर भी 12 मैंने कौन सी 12? ये 12 का था, उनके नहीं मालूम। नहीं, 12 कितना महीना हुआ? महीना तो मालूम होगा, इसे ये अंदाजा बताइए। कार्ड तो बाहर में गया था शादी में। अच्छा, कुछ कार्ड वार्ड है? कार्ड तो बारात घर पे आई थी? नहीं। हाँ, तो वहाँ से शादी हुआ तो वहीं से गई थी। अच्छा, कोई है मतलब घर? नहीं, वो मम्मी उधर है। तो जरा सा अगर हो तो बुला। चलो यहीं बुला लीजिए। घर पे बारात नहीं आई थी? घर पे बारात नहीं आई थी, हमको नहीं मालूम। साहब का तो मैं बाहर में था। आपकी कौन है? वो मेरी बहन है। अच्छा, बहन है तो आपको जानकारी है। बहन की शादी में क्या आप नहीं आए होंगे? मैं नहीं था, मैं बाहर में था। कंचन नाम है लड़की का? लेकिन आप लोग नाम मत कोई नहीं, आप लोग नाम कैसे नहीं है? अच्छा, इनके घर कब बारात आई थी? 12 तारीख को वहाँ से शादी हुआ था, वहीं से गई थी। साहब वो वाली बात नहीं, कब आई थी बारात? आई शादी वहाँ से कर दिए। नहीं, वो तो मेरे मैं तो बाहर था। अच्छा, कोई बात नहीं, कहाँ है माता जी, उनसे बात करो। बारात आई शादी वहाँ से कर दिए। एक मिनट रुकिए, बारे क्या कर रहे हैं? बारात तो भाई देखो कम से कम 3-2 साल हो गए।
आए? 2 साल हो गए। 2 साल पहले जो शादी का कार्यक्रम फैला हुआ है हमको नहीं मालूम। अच्छा अच्छा, 2 साल पहले आई थी ये बात इनको भी। मैं बाहर में था उस समय, ये भी बता रहे हैं कि हम बाहर मैं बाहर वही आपसे ये जो भी लोकल है आप सब पैसा आया। अच्छा उनसे मिलो, माता जी आ गया ना। चलो वही हम लोग वही पता करने आए। पैसा तो कौन भरवाया था? ऐसे बैठ गए थे आप? हां वो सामने भर। अच्छा कुछ पैसा वगैरह लिए थे क्या? हाँ पैसा तो लिए थे। कितना? मेरी मम्मी दिया था मालूम नहीं मेरा। कितना कहाँ जो ना कसवा बैठिए साहब। कितने दूर है हम लोग खड़े? ठीक है। कितना कितना पैसा लिए थे? रुकिए मम्मी मेरे जाना नहीं जाने दीजिए, वो छोड़िए पैसा वैसा का बात। अच्छा चलिए चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चला कर शादी भी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। अरे तो अच्छा आइए उनसे बात करिए। नाम बताइए इनको, क्या नाम है? कंचन नाम है लड़की। ननद है आपकी? अच्छा 2 साल पहले बारात आई थी आपके घर? नहीं भैया, वो दिन 12 तारीख की शादी घर वही से ही जगह करी। 2 साल पहले भी तो बारात आई थी आपके यहाँ? गोदा गांव निवासी रुचि मौर्य पुत्री पेशकार मौर्य के घर पर रुचि की मां मौजूद थी। उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि उनकी बिटिया की शादी नवंबर में होगी। किसी ने इस योजना में फर्जीवाड़ी की शिकायत की है, इस बात की उन्हें जानकारी थी। हालांकि चंद कदम पर एक व्यक्ति ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि रुचि की शादी संभवतः मार्च में थी। घर से चंद कदम की दूरी पर एक लड़के से बातचीत और स्टिंग में पता चला कि रुचि का विवाह ठंडी के समय हुआ था। पेशकार मौर्य के बगल के रहने वाले और इस योजना में फर्जीवाड़ी की शिकायत करने वाले शिवशंकर मौर्य ने आरोप लगाया कि रुचि की शादी 9 मार्च को हुई थी, ब्लॉक पर दोबारा शादी की गई थी। देखिए बातचीत का वीडियो। आपके घर कोई है? तो देखिए ना मौर्य, रुचि मौर्य, रुचि मौर्य है बेटी आपकी? अच्छा कितने साल की है? 19 साल। कहीं शादी दिखानी है? कहा नवम्बर में? कहाँ पे? कछवा। कछवा से शादी तय हुई है? अभी हुई नहीं है, अभी नहीं हुई है। लड़के का क्या नाम है जिससे शादी हो रही है? अजय। अजय कुमार मौर्य। उसके पिता का क्या नाम है? राम बहादुर मौर्य। पानी लगा। उसकी शादी ब्लॉक पे भी हुई है क्या? का बात ऐसा है, देखिए आपको मिला कि नहीं मिला? नहीं। कितना मिला था? 35,000 मिला है, नगर में आ गया है ना। और उसका सामान वगैरह मिला था? तो शादी नहीं हुई है अभी, शादी करेंगे ना नवंबर में। कुछ भैया वहाँ ब्लॉक पे कुल मिला के आप लोग गए थे, शादी अभी नहीं हुई है, शादी नवंबर में करेंगे, शादी तय है। ये पेशकार मोहरा को पिछले घर हुआ है ना, इनकी लड़की रुचि नाम है क्या जानकारी? रुचि शादी हुई है कि नहीं उसकी? ब्लॉक क्षेत्र के कलनुआ गांव निवासी खुशी सरोज पुत्री पंचलाल के घर पर खुशी सरोज उनकी मां मौजूद थी। बताया कि शादी तय हुई है लेकिन लगन नहीं पड़ी है। कहा कि ब्लॉक पर शादी हुई है, शिकायतकर्ता के शिकायत बिंदुओं पर गौर करें तो खुशी के स्थान पर ब्लॉक में विवाह के समय किसी और शादीशुदा जोड़े को बैठाया गया था। फिलहाल ये गहन जाँच का विषय है। कितना आया? 35,000। आप कौन हैं? खुशी के भाई। आप भाई? भाई। आप उनकी माता जी हैं? अच्छा। और ये शादी, खुशी की शादी कहाँ की है आप? बिछिया पड़ावा भाई, वहाँ नहीं जाए। कब करी किसे दिए? जैसे मान लग कि अभी बातचीत चला था ना, बातचीत है, कपड़े कपड़ा पहन गया, फिर लगन नहीं चला। हीरा लाल सरोज लड़के हैं, हमारी बहन है। रवि कुमार नाम है लड़के का ना। बिछिया शादी तय हो गई है। धर्मराज भारतीय नाम है लड़के के पिता का नाम ना। धर्मराज भारतीय और लड़के का नाम है रवि कुमार। ठीक। गोंदा निवासी सुमन देवी पुत्री बसंतलाल विश्वकर्मा के घर पहुंचने पर मां और पिता मिले। बताया कि दामाद का दुखद निधन हो जाने के बाद सुमन का पुनर्विवाह 5 जून को कुंडरौदा महादेव मंदिर में हुआ था। बाद में किसी महिला के कहने पर लाभ के लिए ब्लॉक पर शादी कराई गई। आरोप लगाया कि फॉर्म भरने वाली एक महिला पैसे की लगातार मांग कर रही है। इस योजना में विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन अगर पूर्व में शादी मंदिर या अन्य स्थान पर हो गई हो तो महज लाभ के लिए ऐसा करना गाइडलाइंस के अनुसार सीधे फ्रॉड है। सुमन, सुमन आपके घर लड़की का नाम? हाँ हाँ। अरे ठीक है, बैठे
कुछ लगे। तो शादी भी पड़ी बा? हाँ शादी। ग्राम सभा को धनाया? हाँ। कहे ना शादी? हाँ। 5 जून हुआ थे। जून में? 5 जून गए? ये 5 जून? हाँ। वो भरा है ना? हाँ ना पैसा उनके खाता में आ गया। हाँ आ गया। शादी पहले हुई थी तब भरवाए हैं कि नहीं? अब भरा है। अब भरा ना? हाँ भाई सदिया तमाम करा है। शादी हो गई थी इनके? शादी हो गई थी पहले ना? बदमाम भरा है। अच्छा। ब्लॉक पे गए थे लेके? हाँ ब्लॉक पे मिला रहा कनिका आता ही थी कनिका का 35,000। हाँ 35,000। अच्छा तो गए थे लेके लड़की को? हाँ हाँ लड़की गई रही। शादी उसके पहले हो गई थी आपकी? वहाँ पे गए थे केवल जो है वो करने के लिए। शादी पहले से शादी शुरू थी? शादी तो जुलाई में हुआ था ये ब्लॉक वाला। और हमारे पढ़े ना ही ये बताएंगे अंकल जी बताएंगे इनसे। हाँ तो 3-2 महीना हो गया। 3-4 साल हो गया है क्या? और ज्यादा समय हो गया? कितना समय हो गया है? मारे तो किया ना वो कर नहीं। हाँ तू भाई घरे से तू तो कहाँ की है? तब वो कहाँ तब तो कब बीत गया जब खत्म हो गया वहाँ तो भैया तो खत्म हो गया ना वो वाला नहीं। जैसे अभी शादी 5 जून को बताए हैं आप दोबारा हुई है? तब बता हुआ 5 जून के दूसरी शादी हुई है ना? अच्छा अच्छा। तो घर पे ऐसे किए थे कि और उसके बाद ब्लॉक मंदिर से? एक मिनट रुकिए रुकिए। मंदिर से हुई थी 5 जून को? ये दोबारा हुई थी शादी? अच्छा, मेहमान में गुजर गया रहे हैं। हाँ, तब तो करना ही पड़ेगा। रात रहे ये गलाई भाई लेना खत्म हो गया। रोशनी पुत्री जटाशंकर निवासी डिग तरी के घर पहुंचने पर रोशनी की 2 छोटी बहनें मौजूद थी। शादी के संबंध में पूछने पर बताया कि रोशनी की शादी सीतामढ़ी मंदिर पर हुई थी जिसमें परिवार के अन्य लोग शामिल नहीं हुए थे। मामला यहाँ भी दलाली का ही है। गाँव के एक व्यक्ति ने फॉर्म भरवाकर सामूहिक विवाह योजना में 12 जुलाई को शादी कराई। बच्चियों ने बताया कि बिचौलिया उसके पिता जटाशंकर और बहन रोशनी से आधे रुपए की मांग करता रहा। योजना में धांधली को समझने के लिए पूरी बातचीत का वीडियो आपको देखना पड़ेगा। आपके पिताजी का नाम क्या है? जटाशंकर वर्मा। अच्छा, वो जो आप जटाशंकर वर्मा की एक लड़की है जिनका नाम रोशनी है वो आपकी बहन है? आपसे बड़ी है जी। उनकी शादी ब्लॉक में हुई थी आपकी जानकारी में है? ब्लॉक पे शादी नहीं हुई उनकी? हाँ हुई थी मतलब। तो ही बताओ ना। ठीक है, 12 जुलाई को शादी हुई? 12 जुलाई को ब्लॉक में शादी हुई थी ना। और उसके पहले उन्होंने कैसे शादी की? बारात आई थी घर पे? नहीं नहीं क्या हुआ तो वही बताओ। बारात नहीं आई थी मतलब गए थे शादी कर लिए? कहाँ कर लिए? सीतामढ़ी। अच्छा, कब किए थे? अभी बताया ना। बताइए बताइए, नोट करना है ना। मई में मतलब मई के बाद जून जुलाई 12 जुलाई को ब्लॉक में शादी हो गई। इसमें जो मंदिर पे शादी हुई थी उसमें घर वाले नहीं गए थे? नहीं, वो लोग अपने से किए थे। अच्छा, एक बात बताइए कि पैसा मिल गया? ब्लॉक पे जो शादी हुआ उसमें बर्तन वगैरह मिलता है? उसमें मिला कि नहीं मिला? हाँ, वो मिला था ना। कोई पैसा वैसा तो नहीं लिया है? कोई बीच में मांगा तो नहीं? दलाल वाला कौन भरवाया था? कौन भरवाया था? मंगला सरोज। ये कौन है? मेरे पास जाने। तो कुछ पैसा वैसा लिए? कुछ पैसा तो नहीं लिया। फोन करके कहते हैं कि आधा पैसा दे मुझको दे दो, नहीं तो 35,000 मिला है उसमें से आधा मांगते हैं। हाँ, कहते कि ना तो कुछ काय देवे तो बंद हो जाओ। बंद हो जाओगे? ना ही मतलब बैंक बंद हो जाएगा। अच्छा, बैंक से खाता बंद हो जाएगा? हाँ। नहीं तो हमको आधा दे दो। हाँ। अच्छा, तो दिए तो नहीं हो? हाँ। पैसा दिए तो नहीं? नहीं, जब भी मेरे पापा दीदी आती है ना हैं। पड़ताल की अगली कड़ी में कलुआ गांव निवासी लाभार्थी राधा सरोज पुत्री हीरालाल सरोज के घर पर राधा उसकी माँ उसके भाई से मुलाकात हुई। बताया कि शादी जौनपुर तय हुई है, अभी जो मालिक है वो घर पर नहीं है, अप्रैल तक विवाह होगा तब विदाई होगी। सूत्रों शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र के अनुसार उनकी जगह के रिश्तेदार ने सामूहिक विवाह में फेरे ले लिए थे। फिलहाल ये गहन जांच का विषय है। राधा और खुशी है। राधा कौन है? राधा।
अच्छा आप ही हैं तो राधा तो आप ही हैं तो इन्हीं का तो धर्म मानते हैं क्या नाम है आपका राधा राधा नाम है पिताजी का नाम हीरालाल आपकी ही शादी हुई थी सब वहाँ पे ब्लॉक पे जी हाँ अच्छा अच्छा तो शादी के बाद जो है अभी तक आप लोग ससुराल नहीं गए हैं ठीक शादी कब होगी आप लोगों की आप कौन हैं उनकी आप उनकी माता जी हैं इनकी माता जी हैं तो कब शादी करेंगी घर से जब ये लोग ससुराल जाएंगी तो अभी शादी तय हुई है नहीं तय है लगन उगन नहीं अभी लगन उगन कुछ नहीं पड़ा है केवल शादी तय हुई है जो भी है सही सही बताइएगा ऐसा कुछ सही वाली बात है मैं पास हां तय हुई है ना हां बस चलिए ठीक अभी तय नहीं हुआ लगन नहीं तय हुआ कब शादी होगी डेट नहीं पड़ा है कुछ चलिए ठीक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की सूची में महुआरी गांव के शिल्पा मौर्य पुत्री सुरेश चंद्र मौर्य का नाम शामिल है उनके घर पहुंचने पर उनकी आंटी से मुलाकात हुई सवाल करने पर उन्होंने कहा कि लड़का बाहर जरूर था लेकिन आया था जबकि सूत्र बताते कि लड़का बाहर था वो विवाह में सम्मिलित होने नहीं आया था इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए लड़के पक्ष के बतौर सटे लोकमानपुर गांव स्थित घर पर जाया गया चाय की दुकान पर लड़के के पिता रामाज्ञा मौर्य से मुलाकात होने पर उन्होंने शादी जैसी बात से इनकार कर दिया कहा कि उन्हें ऐसी बात की जानकारी नहीं है वो ब्लॉक पर नहीं गए थे शादी हुई है ठीक है वो कोई हम नहीं कर रहे हैं गलत किए हैं आप लोग लेकिन अब उसमें एक चीज़ अंतर बता रहे हैं कि लड़का गया था और हमें जानकारी में है कि लड़का नहीं गया नहीं लड़का आया था बुलाया गया फोटो कोई मिल जाएगा शादी के समय वाला शादी के समय वाला मिल जाएगा फोटो खिंचवाए होंगे ना आप लोग शादी जब हुआ अच्छा घर से और कोई नहीं गया था पापा लोग बाहर रहते हैं अरे तो परिवार से लोग भी जाते हैं ना मम्मी चलिए ठीक है आपके लड़के का क्या नाम है भाई दो तीन नाम मैं जो नाम आपका रजिस्टर्ड नाम आपका राम यज्ञ आपकी ग्राम सभा का क्या नाम है जलाल अच्छा आपके लड़के की शादी जंगीगंज महुआरी के लिए तय हुई है हाँ, हाँ, शादी हुई है अब भाई शादी कैसे हम बताए वह तीन दिन के बाद पता नहीं शादी के बात नहीं लेकिन हमके जानकारी नहीं आपकी जानकारी में शादी नहीं हुई है पड़ताल की कड़ी में शेरपुर पिंडरा निवासी सुधा पुत्री चंद्रकेश्वर के घर पहुंचने पर चंद्रकेश्वर मौजूद थे बातचीत में बताया कि 20 मई को घर पर बारात आई थी और सुधा की विदाई हुई थी उसके बाद ब्लॉक पर 12 जुलाई को विवाह हुआ था एक महिला ने उनका फॉर्म ऑनलाइन कराया था क्या नाम है आपका चंद्रकेश्वर बिटिया का क्या नाम है आपकी सुधा की ही शादी आपने की है कहाँ शादी की है अच्छा आपके दामाद का क्या नाम है पवन कुमार किस तिथि को बारात आई थी घर पे 20 मई थोड़ा तेज बोले 20 मई को बारात आई थी अच्छा इसके बाद जो है विदाई भी हुई थी हाँ विदाई हुई थी अच्छा फिर आपकी फिर उसके बाद ब्लॉक पे भी शादी हुई ब्लॉक में कब हुई 12 जुलाई को ठीक है तो वहाँ से सामान और सारी ये खाते में रुपया 35,000 मिल गया आपको अभी नहीं बिरवा पहाड़पुर गांव निवासी खुशबू पुत्री देवराज के घर पहुंचने पर खुशबू के माता पिता से मुलाकात हुई बताया कि ब्लॉक में शादी हुई थी अभी भी लड़की को ससुराल से लेकर घर आया हूँ वहीं थोड़ी दूरी पर मिले वृद्ध महिला और एक वृद्ध पुरुष ने बताया कि मेरे देवराज के घर से खानदान और घरेलू संबंध है देवराज की लड़की की शादी फागुन चैत माह में हुई थी घर पर बारात आई थी देखिए बातचीत का पूरा वीडियो शादी वगैरह शादी लड़का की लड़की का किया गया अच्छा कब किए 12 कौन से महीना में जून जून में जून की 12 पिछले महीना अगस्त में था जुलाई अच्छा डायरेक्ट ब्लॉक में शादी की थी और बारात रात नहीं आई थी पैसा वैसा मिला था हाँ पैसा मिला पूरा पैसा मिल गया कितने से कोई दलाली हुई है नहीं दलाली कितने को पैसा कोई लिया नहीं वो सब घर का आदमी कोई बाहरी आदमी नहीं था देवराज का माने भाई का और देवराज का दो जने के बियाह बारात आई रही तो इनका तो जेठ हवा जेठ में आई रही का देवराज के ना है देवराज के तो हम लखत तक नहीं चल फागुन चैत में बारात आई रही हाँ
देवराज का? हाँ, उनका सबसे आगे रहा। अच्छा, और उसके बाद देवराज के भाई का? और कंप्यूटर का तो है, हम लोग का तो है। अच्छा, तो आज अपन लड़कियों के लिए आई कायन है, देवराज लिए कायन है? अच्छा मान लो, अच्छा अच्छा, माने जाना था कि देवराज का बिटिया भी है आए रही बरात। अरे यहाँ पर खाबे जाने में नेता हकारी इसे मालक कहा। हाँ हाँ, अच्छा कहो चचा, देवराज की यहाँ बरात आई रही? कब आई रही? जुलाई में बरात आई रही? जुलाई रहा कि चाहिए जून उन रहा, तो जून में बरात आई रही दोनों जने, उन्हों की बिटियों का और उनके भाई बिटिया का। कंप्यूटर बिटिया का किस फॉर्म रहा? दोनों जने बरात आई रही घरे धूमधाम से? अच्छा ना, आई दिक्कत ना आई, पूछत रहे थे कहन की ना ही हमारे बिटिया की बरात नहीं आई रही, ब्लाक में शादी करे रहे, हम कहा वह पूछे आई रहे कि सही बात है। बरात आई रही? चलो ठीक है, झूठ बोल रहने का मतलब ना। और भी केसेस है। खानापुर निवासी सपना पुत्री राजधर की शादी भी सामूहिक विवाह योजना के तहत 12 जुलाई को हुई थी। घर पहुंचने पर किसी से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन योजना में धांधली के कमिश्नर से शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता के दावे के अनुसार इनकी भी शादी पूर्व में हो चुकी थी। वहीं कलुआ गांव निवासी सुधा पुत्री राजकुमार के घर पहुंचने पर वहां मौजूद नहीं थे। पड़ोस की महिला जिनकी पुत्री का विवाह 12 जुलाई को ब्लॉक पर हुआ था, उन्होंने बताया कि सुधा की शादी पड़ी है, लड़की माँ के साथ ननिहाल गई है। शिकायतकर्ता के बाद दिए गए बिंदुवार कंप्लेन के अनुसार उनके स्थान पर भी किसी दूसरे जोड़े को सामूहिक विवाह में बैठाया गया था। फिलहाल इसमें कितनी सच्चाई है जांच के बाद ही पता चल सकेगा। देखिए, पूरा स्टिंग ऑपरेशन भदोही जिले के ढीक ब्लॉक में बीते 12 जुलाई को हुए सामूहिक विवाह में भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रहा है। वहीं लोग बताते हैं कि पूर्व में हुए सामूहिक विवाह समारोह में इससे भी बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। फिलहाल दावा कितना सही है ये जांच होने पर ही पता चल सकेगा। अब देखना होगा कि शिकायत और उसके खुलासे के बाद आंख बंद कर योजना का क्रियान्वयन कर रहे जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारियों और संलिप्त दलालों पर जांच कर कार्रवाई होती है या नहीं, और क्या छोटी मछली ही कार्रवाई की जद में आती है और बड़े हमेशा की तरह बचे रह जाते हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन को करने और दिखाने के पीछे हमारा उद्देश्य सिर्फ विभागों की लापरवाही, पनप रहे करप्शन, गड़बड़ी को उजागर करना था। किसी की बदनामी या किसी को हाथ करना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं था। आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।